ये देखिए पुलिस को देखते ही जो है वो वाहन वहां से मुड़ करके चला गया। वही ये देखिए अभी जो है एक और वाहन यहाँ पर रुकवा लिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त हिसार शहर के अंदर की जा रही है क्योंकि आज सोमवार का दिन है और सोमवार और वीरवार के दो दिन ऐसे होते हैं जिस वक्त एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की हिसार शहर के अंदर देखने को मिलती है। हर एक चौक चौराहे के ऊपर पुलिस आपको मुस्तैद दिखाई देगी। आज सीलिंग प्लान के तहत सभी के चालान काटे जा रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। काफ़ी सारे वाहन यहाँ रुकवा लिए गए हैं, स्कूटी यहाँ रुकवा ली गई है, जिसके आगे नाम लिखा हुआ है वो स्कूटियाँ यहाँ पर रुकवा ली गई है। वहीं जिसके पास हेलमेट नहीं है उसके जो है भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं। इस वक्त हम हिसार के पड़ाव चौक के ऊपर मौजूद है जहाँ से चौतरफा ट्रैफिक आता है, मिलकेट का ट्रैफिक, साथ ही साथ राजगुरु मार्केट का ट्रैफिक, ऑटो मार्केट का ट्रैफिक, सिविल का ट्रैफिक और उसके साथ साथ जो है बरवाला और चंडीगढ़ से आने वाला ट्रैफिक भी इसी रोड के ऊपर आता है। खैर अगर बात की जाए हिसार की तो हिसार के अंदर आप लोग देख सकते हैं पुलिस जो है पूरे तरीके से यहाँ मुस्तैद हो चुकी है और जो भी यहाँ पर आ रहा है सबके भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं। इस वक्त हम आप पड़ाव चौक के ऊपर देख सकते हैं, पड़ाव चौक का ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर रोज़ाना काफ़ी संख्या के अंदर लोग गुजरते हैं और ये चौक ऐसा है जहाँ पर काफ़ी समस्याएं लोगों को आती रहती है। अगर बात की जाए बेसहारा पशुओं की तो उसकी भी समस्या यहाँ पर आती रहती है, लेकिन अगर सीलिंग प्लान की बात की जाए तो किन किन के चालान काटे जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपका किस चीज़ का चालान काटा है? मेरा हेलमेट का और कागज में घर भूल गया जी। अच्छा, घर भूल गए थे या थे ही नहीं? नहीं, फोन पे और बात कर रहा था, घर से फोन आया था कि ऐसे ऐसे बात है जी, फिर इधर रोक लिया उन्होंने। तो फिर आपने घर से कागजात मंगवाए नहीं? कागज तो कह रहा हूँ जी, फोन करके फोन पे नहीं बुला रही है। ठीक है, आपको बता देते हैं। सर मुझे ये बताइए कि इनका किस चीज़ का चालान काटा गया है? इनकी स्कूटी का चालान काटा गया है, RC नहीं है इनके पास, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है इनके पास। सर एक नया कानून भी आया था जिसके अंदर अगर आप लोग घर के अंदर भूल जाते हैं तो आप जा कर के जमा करा करके जो है अपना ये चालान बचा सकते हैं, वो क्या है? देखिए, अगर किसी के पास अगर मौके पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, RC, DL या कुछ और नहीं है, तो आप उसको जब चालान भरते समय आप उसको चालानिंग ब्रांच में आप दिखा सकते हैं। तो आपका क्या है कि जो मिनिमम चार्जेज हैं वो चालानिंग ब्रांच में, जैसे DL का या RC का 100 रुपये का चालान है, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर देते हैं तो आपके उसमें एग्जेम्पशन मिल जाती है, छूट मिल जाती है आपको। ठीक है, सीलिंग प्लान के तहत आप कितने बजे से कितने बजे तक लोगों को रुकवा रहे हैं? सीलिंग प्लान के तहत 10 बजे से लेकर लगातार चल रहा है, वैसे भी रूटीन में चलता रहता है लेकिन सीलिंग प्लान में 10 बजे से 2 बजे तक लगातार व्हीकल हैं, अनऑथराइज्ड व्हीकल हैं, जितने भी गाड़ियाँ हैं जिसमें टिंटेड फिल्म है या फिर कुछ और है, बुलेट्स हैं जिन पर साइलेंसर मैनिपुलेट किया हुआ है या बदला गया है, व्हीकल हैं जो बिना डॉक्यूमेंट्स के हैं, लोग हैं जो बिना RC के या बिना हेलमेट के जो ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, उन पे सब पे कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने लोगों को आप रुकवा चुके हैं? अभी 25 से 30 लोगों और अभी भी चल रहा है, काफ़ी लोगों को रुकवा चुके हैं, 8 से 10 लोगों। ज़्यादातर बात की जाए तो ज़्यादातर ऐसे कौन से लोग दिखाई देते हैं जिनका चालान होता है? देखिए, ऐसे तो कुछ नहीं है कि किस तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, जिनके पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है सब पे कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस वालों का कोई 36 का आंकड़ा टू व्हीलर्स के साथ होता है, सिर्फ टू व्हीलर्स वालों को आप लोग रुकवाते हैं, यहाँ से ऑटो बेहद ज़्यादा जाते हैं, क्या आप लोग ऑटो की कार्रवाई करते हैं, इनको रुकवाते हैं? जी, इनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाते हैं प्रॉपर, जितने भी कागज़ कार्रवाई जिनके डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट है या नहीं है उसके बारे में इनसे जो भी कागज़ इनके चेक किए जाते हैं। दूसरा, जो आपने टू व्हीलर का बताया, ऐसा कोई हमारा किसी के साथ 36 का आंकड़ा नहीं है, किसी भी कम्युनिटी या किसी भी क्लास के लिए हमारा वो नहीं है कि हम किसी पे स्पेशल कार्रवाई कर रहे हैं, सबके लिए है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सबके चालान किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर फोर व्हीलर की बात की जाए तो जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है क्या उसका भी चालान हो रहा है? जी बिल्कुल, सीट बेल्ट का चालान है, डॉक्यूमेंट्स, RC। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपये का चालान कर रहे हैं? मिनिमम मैक्सिमम का कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि मिनिमम शायद जो है 100 रुपये का चालान होगा, वहीं मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम कितने तक का चालान हो सकता है? मैक्सिमम का तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है उनके पास, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 40-50 हज़ार रुपये तक आप चालान कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, जितने भी लोग आ रहे हैं सब फ़ोन के ऊपर बात करके अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए इस वक्त सीलिंग प्लान की तो सीलिंग प्लान के तहत काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई इस वक्त यहाँ हिसार शहर के अंदर देखने को मिल रही है, जहाँ पर लोगों को जो है चौक से हटाया भी जा रहा है ताकि यहाँ पर
ट्रैफिक ज़्यादा जमा ना हो जाए। वहीं आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे वाहन यहाँ पर रुकवा लिए गए हैं, और सिर्फ पड़ाव चौक की ही बात नहीं है बल्कि पूरे शहर के अंदर इसी तरीके से पूरा सीलिंग प्लान चल रहा है। सीलिंग प्लान के तहत दो दिन हफ्ते के, नोट कर लीजिए, दो दिन हफ्ते के सोमवार और वीरवार को हर चौक हर चौराहे के ऊपर पुलिस तैनात मिलेगी, जैसे कि ADGP के आदेश है। और उसके तहत जितने भी लोग यहाँ पर जो है मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं, हुड़दंगबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, जिनके पास RC नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, पोल्यूशन नहीं होता है, इसके साथ साथ जो है हेलमेट नहीं लगाया होता है गाड़ी के अंदर, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है, उनका आमतौर के ऊपर ज़्यादातर चालान किया जा रहा है। वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये देखिए स्कूटी जो है वो साइड के अंदर लगवा ली गई है, और इसके साथ साथ जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं सबका चालान काटा जा रहा है। एक बड़ी संख्या के अंदर इस वक्त हिसार शहर के पड़ाव चौक के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अगर आप लोग इस चौक से गुजरने वाले हैं तो ध्यान रखिए, अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो पुलिस आप लोगों के लिए चालान लेकर के यहाँ पर तैयार खड़ी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपका क्या मानना है कि ये देखिए पुलिस को देखते ही जो है वो वाहन वहाँ से मुड़ करके चला गया। वहीं ये देखिए अभी जो है एक और वाहन यहाँ पर रुकवा लिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है पुलिस की तरफ से। एक बाइक है जिसके ऊपर एक व्यक्ति सवार है जिसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ, और उससे जो है पूछताछ, कड़ी पूछताछ की जा रही है कि किस वजह से उसने हेलमेट नहीं लगाया। साथ ही साथ उसके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जा रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त हिसार शहर के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों के आस पास भी इसी तरीके की कार्रवाई हो रही है और आप इससे कितना संतुष्ट है, अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि हफ्ते के दो दिन अगर सीलिंग प्लान के तहत इसी तरीके से कार्रवाई होती रही तो क्या हिसार शहर सुधर जाएगा? क्या 100 में से 90 लोग हेलमेट लगाना शुरू कर देंगे? वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और इसकी आवाज़ जो है उठाते रहिए, और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।